सराईपाली में प्रदेश सरकार द्वारा युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर राजीव गांधी युवा मितान क्लब का गठन किया गया है, जिसे ग्राम स्तर पर होने वाली समस्याओं एवं विकास में अपनी सहभागिता देकर उनको निराकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा स्तरीय राजीव युवा मितान क्लब स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम बैतारी स्थित जाम बहलियन मंदिर के समीप रखा गया था, जहाँ राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई और एक सभा भी आयोजित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव गांधी युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक अंकित बागवारा ने कहा कि पूरे प्रदेश में राजीव गांधी युवा मितान क्लब के समन्वय स्थापित करने के लिए ग्राम स्तर से लेकर पूरे प्रदेश पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक क्लब को रचनात्मक कार्यों के लिए हर वर्ष शासन की ओर से 1,00,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों के अनुरूप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को संगठित और उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। प्रत्येक ग्रुप में 40 सदस्य रहेंगे। उन्हें प्राप्त अनुदान राशि को 3 माह में विकास कार्य में लगाना है। अनुदान राशि को 100% विकास कार्य में लगाने में यदि सफल हो गए तो उन्हें अगला किस्त की राशि प्राप्त होगी। इस तरह उन्हें 4 किस्तों में 1,00,000 के अनुदान राशि मिलेंगे। Thank you.